बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम काविश के साथ में हूँ आपका मेजबान इमरान नकवी। और आज जो हालात हाजिर हैं उस पर ही बात होगी। जो मुख्तलिफ हालात हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, खासतौर पे कराची में, और जो बारिशों के बाद का हालात हैं उस पर खासतौर पे, और बिलखसूस जो है पूरी ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त उस पर बात करेंगे। और मेरे साथ इस प्रोग्राम के अंदर चौधरी अब्दुल अजीज साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत हैं, तजिया निगार हैं और बेहतरीन बिजनेसमैन जो है यूके के, उनमें उनका शुमार होता है। चौधरी अब्दुल अजीज साहब हैं और साबिक MP सिंध असेंबली जनाब मिर्जा खलीला साहब, जो कि यूके एंड यूरोप के जो है सदर हैं, नायब सदर हैं पाक सरजमीन पार्टी के, वो हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जनाब फराज अहमद साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और इमरान खान साहब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में, तजिया निगार हैं। तो सबसे पहले जो है मैं सबसे पहले चौधरी अब्दुल अजीज साहब की तरफ जाऊंगा, और चौधरी अब्दुल अजीज साहब से ही बात का आगाज करूंगा। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम के, मैं पहली दफा आप शिरकत फरमा रहे हैं। और जाहिर है हम आज जो खसूसी तौर पर जो खबरें देख रहे हैं नैब के हवाले से हमें दिखाई दी, जिसके लिए बहुत पहले से आवाज उठाई जा रही है कि नैब के इदारे में इस्लाहात आनी चाहिए या इस इदारे को खत्म कर देना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। है वो बहुत ही जी अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से ये आवाज़ उठ रही थी कि जो है वो नैब है वो एक बराबरी के असूल पे जो है वो सभी के साथ तफ्तीश नहीं कर रहा है और उनको उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वो जो कल परसों जो है उनकी राय उन्होंने दी है, और मैं समझता हूँ कि जितने भी केसेस वो लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और जिन लोगों पे उन्होंने केस बनाए, और बहुत अरसा था कि एक साल तक या दो दो साल तक उनको जेलों में रखा, और उसके बाद पता चला कि उनके पास कोई उसके बारे में सबूत ही नहीं है। साथ तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत जरूरी है कि मैंने देखा है कि दो तीन सालों से जो है ना लोगों की बहुत ज्यादा तजलील होती है मीडिया पे, पहले उनको अरेस्ट करने से पहले उनकी तजलील शुरू हो जाती है, और जब उनको दो दो साल के बाद जो है अदालत में ले जाया जाता है तो अदालतों के उनके हम सब आवाज उठा रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में इंसाफ होए, और ये वो भी मैं अदलिया में है, ये वही लोग छुपे हुए हैं जो के लोगों को जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए राह में रुकावट पैदा करते हैं। इसमें जब आप ऐसे लोगों के साथ ट्रीट करते हैं जो असल केस होते हैं ना, उनको भी सजाएं नहीं होती है, और हर एक की राय इस पे ये कायम हो जाती है जी कि ये जो है ना जाली केस बनाए गए। हो सकता है इनमें अक्सर केस जो है वो ठीक भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में जो चंद मेन केसेस थे उन पे जो अदलिया ने बगैर सबूतों के इन लोगों को जेलों में रखा जो नैब ने, वो बहुत बड़ा जुल्म है। सही, ठीक है। मैं फराज भाई, फराज अहमद साहब आपकी तरफ जाऊंगा और आपसे पूछूंगा, क्योंकि जैसे चौधरी साहब ने कहा कि ये जुल्म है, इस तरह से रखना नहीं चाहिए जब सबूत ना हो, आप किस तरह से देखते हैं जो साद रफीक साहब के हवाले से, जो मतलब इनके हवाले से जो वो आया है फैसला, जिसमें जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी तंबीह की है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? इमरान भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऑब्वियसली यू नो लाइक मैं बेसिकली प्रोग्राम में नहीं था, बट अब मैं कुछ अपने वजूहत की वजह से वापस आ गया था। ये असल में जो आप बात कर रहे हैं अदलिया के हिसाब से, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना वो पूरा लपेट लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो देयर बट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। जो आप देख लें, हम लोग ये तो सियासतदानों की बात कर रहे हैं, आप खुद भी पाकिस्तान से हैं, हम सब पाकिस्तान से हैं इस टाइम के अंदर, कि जो छोटी चोरी करता है वो 2 रुपए की रोटी बच्चा बच्चा लेके निकल रहा होता है। लाहौर के अंदर एक वाकया हुआ था जो आपको याद होगा, कि दो दो रुपए वाली रोटी के ऊपर उसको बच्चे को इतना मारा और मार दिया गया, उसको जान से मार दिया गया। तो कानून ये है कि 2 रुपए की रोटी वालों को तो आप कर देते हैं, और अदलिया जो है यहाँ पे वो जो, और हुकूमत और ये ब्यूरोक्रेट्स और सब मिले हुए होते हैं, जिनकी ये लाइनें बनी हुई होती हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर एक बंदा पकड़ा गया तो सारे हम पकड़े जाएंगे। तो
ये सब मिले हुए हैं। मेरा ख्याल से तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही लपेट ले जाना चाहिए और सदारती निज़ाम आना चाहिए और सदारती निज़ाम के हिसाब से काम होना चाहिए। मेरा तो इसमें फॉर्मली बिलीव है कि हमारा जो इस टाइम पे नैप का केस और जो भी चीज़ है, नैप के अंदर भी गलत बंदे बैठे हुए हैं और जगहों पर भी गलत बैठे हैं, बट सब के सब जो है वो करप्ट इस लिहाज से है क्योंकि सब एक दूसरे को बचा रहे हैं हमें से। लेकिन वो खान साहब, आप क्या समझते हैं, खान साहब ने जो मतलब एक नारा लगाया था कि करप्शन के खिलाफ इन तमाम लोगों को सजाएं देंगे, तो आपको यहाँ पे बेबस दिखाई देते हैं वो? देखें इमरान भाई, जहां तक बात है खान साहब का, देखें एक 70 साल से जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, जो बचपन से चोरी शराबी और दुनिया के हर काम आप देख लें कि जब वो करता हुआ आ रहा है और जब वो एक पीक पे खड़ा हुआ हो बिल्कुल, कि उसको पता हो यार मेरे तो कुछ कर नहीं सकते, आप अंदाजा ही कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डकैत डकैत लोग पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि जो प्रॉपर डकैत है, सिंध के अंदर जो भर्तियां हुई थी वो डकैतों की हुई थी। कहने का मकसद ये कि आप यू आप जब वहां पे उस जगह पे आप बैठते हैं तो आपको पूरी ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है कि आप जो काम भी करना चाहे, जो लॉ भी लाना चाहे ला सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसके हिसाब से खान साहब की अक्सरियत नहीं है जो वो करना चाह रहे थे, बट वो अपने मदार में रहते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इमरान खान इज अ फाइटर, उनको आप देख लें, आप 22 साल तक उन्होंने जो कार्रवाई करी अपनी चीजें करी है, ही प्रूव हिमसेल्फ के आप अगर कोई हक और राह पे होते हैं और आप चलते रहते हैं तो मेरा ख्याल से इनको, जब हमने जरदारी साहब को 5 साल दे दिए, उस दौर के अंदर बम धमाके होते रहे, कितनी चीजें होती रहेंगे, मेरे ख्याल से उस टाइम पे ना मीडिया बोलता था क्योंकि मीडिया को पैसे मिल रहे होते थे, चीजें हो रही होती थी ना, आवाम जो होती थी आवाम भी टोपी के सो रही होती थी कि अच्छा जी बंदे मर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब जो है जब सिस्टम कुछ बनता हुआ आ रहा है, सिस्टम बनने में थोड़ा टाइम लगता है मेरे ख्याल से, तो इमरान भाई इट इज नॉट लाइक दैट। खान साहब ने 90 डेज का जो वादा किया था मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, ही वॉज परफेक्टली फर्म अबाउट हिज ओन थिंग, ये ऊपर से बंदा सही होना चाहिए, ऊपर से इन्होंने बिल्कुल सही करा हुआ है, क्योंकि वजह यह कि इनके साथ जो बैठे हुए बंदे सारे इस्तीफे दे रहे हैं, भाग रहे हैं आगे पीछे, आप देखें जितने भी इनके करीब रिवार के लोग गए हैं वो खुश नहीं है इनसे, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना खुद खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं किसी को। लेकिन इनके वजीरों ने तो खाया है ना, अभी अजमल वजीर साहब को देखिए, उनको अलग किया, वो भी खा रहे थे, मतलब लोग तो इनके अंदर से भी पकड़े जा रहे हैं। पर इमरान भाई लास्ट लास्ट इलेक्शन से पहले इनकी सरहद असेंबली के अंदर कितने वजीरों को इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया था, निकाल दिया था, और वो कितना बड़ा मूव था, आप अंदाजा ये करें कि वो उनकी अपनी सरहद से गवर्नमेंट खत्म हो जाती है अगर वो इतने बंदों को निकालते हैं। पर ही डिड इट, यू नो लाइक ही प्रूव्ड इट के भाई करप्शन के लिहाज से मेरी हुकूमत भी चले जाए चले जाए, वो तो हमेशा बोलते हैं, कहते हैं अगर मेरी करप्शन के हिसाब से अगर मेरी गवर्नमेंट भी चले जाए ना तो आई डोंट लीव इट। असल में मसला गेम ही यही है ना इमरान भाई, अभी खिचड़ी जो पकड़ी है ना वो सिर्फ ये चल रही है कि आज आप मीडिया के टाइकून्स को छोड़ दें जो पकड़े हुए लोगों को, वो इधर के जो माफियाज हैं उनसे मुकमुका कर लें, चीजें कर लें, आप यकीन करेंगे इमरान भाई टीवी पे ऐसी ऐसी खबरें जबरदस्त लगनी शुरू हो जाएंगी गवर्नमेंट के हक में, क्या आप बोलेंगे यार ये तो जन्नत हो गई है, ये जन्नत दूध की नहरें हो रही है। सही, आज वो ऐलान भी हुआ है कि जो वाजिबात हैं मीडिया के वो भी अदा करने के लिए तैयार, इश्तहारात के जो वाजिबात हैं उसकी भी जो है परमिशन दे दी है वजीर आजम साहब ने, तो शायद फिर लगना शुरू हो जाए ऐसी खबरें जो आप कह रहे हैं। वाजिबात जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी अपना चैनल है, कहीं कहीं पे भी आपने दुनिया में देखा है कि मीडिया को गवर्नमेंट पैसे देती हो? ये पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सिस्टम है, आज उन्होंने खुद मेहनत करनी पड़ रही है मीडिया को, अपने इश्तेहार लाने पड़ रहे हैं, पकड़ने पड़ रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि काम होता क्या है बेसिकली दुनिया के अंदर। मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती हो चैनल। सही, मिर्जा खलील साहब आपकी तरफ आऊंगा और जानूंगा इसी हवाले से, क्योंकि नैब के हवाले से बात हो रही है और आपने फराज अहमद साहब की बातें भी सुनी और चौधरी अब्दुल अजीज साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्यों नैब का जो इतारा है वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठ गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जाहिर एक फैसला दिया है, तो आप कितना देखते हैं इस फैसले को? जी पहले तो इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी और मैं मौजूद मेहमान चौधरी अब्दुल अजीज साहब और मोहतरम फराज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ उनको। जी उसके जी बाद जैसा आपने अर्ज किया कि नेब का इदारा
और जिस तरीके से मेरे मोहसिन जो मेहमान हैं ग्रामी हैं जिन्होंने इन्होंने अपना अपना जो तस्करा किया है जिस तरीके से, जाहिर बात है कि जो इस वक्त सूरत हाल है जो सिचुएशन है वो हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ही दिल गिलफ्ता है और इस पे हर एक को अफसोस भी हो रहा है और मलाल भी है। जाहिर बात है जो दूर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे वो बहुत ही अफसुर्दा हैं कि इस अपने मुल्क में ऐसी सूरत हाल देख के वो काफी अफसुर्दा हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि वो अपने मुल्क का नाम बेहतर तौर पे पूरी दुनिया में जानना चाहते हैं और पूरी दुनिया में चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम बेहतर हो। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि अभी मेरे दूसरे जो दो हमारे मोजिज मेहमान हैं इन्होंने अभी कहा, देखिए बात यह है कि अभी तक कोई विजनरी लीडर हमारे यहाँ नहीं आया कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और शहीद मिलत लियाकत अली खान के बाद, सही जिसका विजन इतना हाई हो। अब इमरान खान के लिए लोग कहते हैं कि साहब ये ईमानदार हैं, बेशक वो ईमानदार हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये फाइटर हैं और ये टीम को साथ लेके चलना जाते हैं तो उनकी मैं बात से इत्तेफाक नहीं करता। बड़ी माजत के साथ फराज भाई मैं आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि देखिए क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 प्लेयर थे, ठीक है वो तो 11 प्लेयर के साथ चलते रहे, लेकिन जब सियासत में आए तो ये मुख्तलिफ चीज थी और उसकी इनकी नादानी का आप खुमियाजा ये देखें कि हर टीवी चैनल वाला इनकी पुरानी क्लिप्स निकाल के दिखा रहा है जो इन्होंने कोई 2 साल पहले कही कोई 3 साल पहले कही, यानी इनका इतना विजन भी नहीं है कि ये अपनी कही हुई बातों को कम से कम सोच सके कि मैंने आज से 2 साल पहले किस चीज के लिए क्या कहा था। और फिर जाहिर बात है कि अगर इनको जो इनके साथ टीम बैठी हुई है जो इनके सबसे पहले टीम के जो मेम्बरान थे साथ में जिन्होंने इनकी पार्टी बनाई एस अकबर साहब, वो आज इनके साथ नहीं है, तो ये तो अपनी टीम को मुत्तहद शुरू ही नहीं रख सके। तो ये क्रिकेट की टीम नहीं ये सियासी टीम थी। फिर जस्टिस वजीरुद्दीन साहब एक बड़े ईमानदार इनके साथ थे, वो इनको ये अपने साथ नहीं रख सके, तो ये किस टाइप के कैप्टन है कि ये अपनी टीम को जो है शुरू में शरारा इन्होंने बिखेर दिया आने से पहले, तो जब पिच पे आने से पहले ही इनकी टीम बिखर गई तो जाहिर बात है इनको फिर बाहर से ऐसे प्लेयर लेने पड़े जिसका इनको पता नहीं था कि उनकी क्या कारकर्दगी है। जब इन्होंने हफीज शेख साहब को लिया और दूसरे मुशीरान को लिया, ये जो मुस्तार लिए गए हैं जो किस्तों के ऊपर ये इनके मुशीरान इनको लिए गए हैं, तो जाहिर बात है कि फिर तो भाई 13वें और 14वें प्लेयर की तो यही चीज होती है कि अगर वो खेल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आप बाहर बिठा दो, उसको उसका क्या फर्क पड़ता है। सही अच्छा दूसरी चीज ये है कि जब अच्छा दूसरी बात ये है कि जब खलीला साहब जी अच्छा नैब का दूसरी इदारा चीज ये है कि जो जब है पहले से सवालिया निशान बना हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर पिछले जो फैसले देखे जाएं और उसमें भी जो चीजें दिख रही हैं उसको आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि काफी दिन जो है शहबाज शरीफ भी जेल में रह के आ चुके और बहुत सारे लीडरान जो है जेल में जरदारी साहब भी रह के आ चुके, तो इसका कौन तदारुक करेगा कि अब वो मतलब उनका कह रहे हैं कि इसके जो है चीजें चेंज की जाएं इस्लाहात लाई जाएं या इस इदारे को बंद किया जाए, तो वो जो जेल भुगत चुके हैं उनके उसका कौन जो है खमियाजा नहीं देगा, आप क्या कहते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया इमरान भाई आपने। आजकल हर शख्स का जो है निशाना वो नैब के इदारे की तरफ है, जबकि नैब का इदारा जो है वो मुत्तफ़ा तौर पे तमाम सियासी पार्टियों के एतमाद में लेके बनाया भी गया था और तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लेके जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब उनको बनाया गया था तमाम सियासी इत्तेफाक के सर जो पार्टियां हैं उनके इत्तेफाक राय से। अब सही सिलसिला यह है कि इदारा तो बन गया नैब का, लेकिन मसला यह है कि नैब को चलाने वाले जो हैं जो चलाने वाले लोग हैं और जो नैब को जी हिदायत देने वाले जो लोग हैं उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, उनमें आपस में ईगो का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है, क्योंकि आधे लोग जो है वो चाहते हैं कि नैब को किसी और तरीके से चलाए और बकिया लोग चाहते हैं कि नैब को किसी और तरीके से चलाए, लिहाजा हुआ सही यह है कि नैब जो है वो आधा तीतर और आधा पटेर बढ़ गया है। अच्छा इसीलिए बात यह है कि कानून एक अलग चीज होती है, कानून में यह होता है कि आपको जो केस पेश करना पड़ता है उसकी एविडेंस होती है, उसकी बहुत सारी आपके पास मालूमात होती हैं, जब तक आपके पास मालूमात नहीं है और आप अधूरी मालूमात के ऊपर बुनियाद के ऊपर सिफारिशात के ऊपर आप केस कर रहे हैं तो जब आपके पास पीछे कोई काबिले सताइश कोई चीज है ही नहीं उसमें पीछे बैकअप देने के लिए तो वो केस कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा दूसरी सही बात
दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिया कि लाइन के उस तरफ आपका फैसला कुछ और है, लाइन के इस तरफ के लोगों के साथ कुछ और है, ये बहुत बड़े मानक है इस चीज है, इसको समझ लेना चाहिए और उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए जो नैब को इस टाइप की हिदायतें देते हैं। ये जो आज का फैसला है जो साद रफीक साहब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसको तमाम सियासी जमातों ने और तमाम मुख्तदर जो हैं, मैं देखिए सियासी जमातों के साथ साथ पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर हलकों से खुदारा ये अपील करूंगा कि वो आपस की ईगो को छोड़े, हर इदारे को उसको उसकी अपनी स्पिरिट में चलने दें, उसकी अपनी डोमेन में चलने दें, उसके अपने इख्तियार में चलने दें, एक दूसरे के इख्तियार में घुसने की कोशिश ना करें। आपने बनाया है ठीक है, बहुत अच्छा इदारा है, इसको बनाए, लेकिन केसेस वो पेश करें जो सियासी बुनियादों पे ना हो, इंतकाम की बुनियादों पे ना हो, एहतसाब हो तो एहतसाब नजर आना चाहिए, ईमानदाराना, इंतकामाना नजर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने चौधरी अब्दुल अजीज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसी हवाले से, क्योंकि जब ये केसेस मतलब बन रहे थे और गिरफ्तार होते तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो भी इसमें मतलब उनको भी पकड़ा गया और बड़ी केसेस बनाए गए, और ये तासुर दिया गया कि जनाब तमाम जो जो हिजब इख्तलाफ की जमातें थी वो ये कह रही थी कि अगर बिजनेस मैन लोगों को अगर हम गिरफ्तार कर इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो हमारा बिजनेस सारा रुक जाएगा और पाकिस्तान में बिजनेस कमेटी मुतासर होगी और फिर लोग बेरोजगार होंगे। तो आप क्या देखते हैं, क्या ऐसा ही हुआ, आपको भी ऐसे ही महसूस होता है कि जो मतलब जिस तरह से लोगों ने उस टाइम हिजब इख्तलाफ ने कहा बिजनेस क्लास के हवाले से, क्योंकि आप बिजनेस मैन यहाँ के, तो आप किस तरह से देखते हैं कि वाकई इंतकामी कार्रवाई की गई बिजनेस क्लास के लोगों के साथ? इमरान साहब, मैं इसको जो है ना वो इंतकामी कार्रवाई तो नहीं कहूंगा, मैं समझता हूँ कि ये इसमें सिस्टम के फ्लोज है और हमारे कानून ऐसे हैं कि 100-100 साल या 200-200 साल पुराने कानून है जिनको अपडेट करने की जरूरत है, और ये लोग जो असेंबली और सेनेट में बैठे हुए हैं इन्होंने जितने भी कानून बनाए हैं इन्होंने अपने लिए बनाए हैं कि अगर वो कहीं फंस जाए तो वो कैसे बाहर निकलेंगे। उन्होंने अपनी असाइशों के लिए, अपनी असाइशों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जितने भी कानून बनाए ना उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हैं, किसी गरीब के बारे में, किसी आम शहरी के बारे में उन्होंने कानून में चेंजिंग नहीं की है। मेम्बरान असम्बली और जो है सेनेट के मेम्बरान का काम होता है कि वो कानून साजी करें। आप देखें कि हमारी असम्बलियों में किस तरह की गुफ्तगू होती है, जब वो डिबेट करते हैं तो खुदा की कसम हमारे बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरियों का ज्यादा सर शर्म से झुक जाते हैं कि 90% जो हमारे मोजस मेम्बरान हैं वो ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं कि हम फैमिली के साथ बैठकर उसको देख भी नहीं सकते, उसको सुन भी नहीं सकते, वो हमारे मुल्क के लीडर हैं। जैसा कि खलील साहब ने कहा है हम 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी और कश्मीरी बैरून मुल्क रहते हैं और यकीन करें कि हमारे दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं 3 दहाइयों से जायद हो गए यहाँ पे यूके में रहता हूँ, यहाँ पे 7 दिन काम करता हूँ, मुख्तलिफ मेरे कारोबार है, सारा कुछ होने के बावजूद आज दिन तक मुझे कभी ख्वाब जो है ना वो इस मुल्क का नहीं आया। जब भी मुझे ख्वाब आते हैं तो यही कारोबार होता है, यही मेरा ऑफिस होता है, यही बिजनेस होते हैं, लेकिन मैं मीरपुर आजाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हमें ख्वाब भी अपने मुल्क के आते हैं। खुदा की कसम कभी हमने 33 साल में मुझे हो गए इस मुल्क में, आज दिन तक मुझे इस मुल्क का ख्वाब ही नहीं आया, इस तरह हमारी मोहब्बत है अपने मुल्क से। लेकिन जब यही हुकूमत आई तो थोड़ी सी हमें उम्मीद लगी थी कि ये जो करप्ट लोग हैं इनके खिलाफ जो है वो बाकायदा जो है ना इनको सजाएं होंगी और अच्छे लोग आगे आ जाएंगे, नैब जो है वो अच्छा जो है काम करेगी। लेकिन नैब ने मेरे ख्याल में, सब लोग कहते हैं कि जी वो इंतकामी कार्रवाई की है, मैं तो समझता हूँ नैब जो है करप्ट लोगों के साथ मिला हुआ है, उसने बगैर सबूतों के साथ इन लोगों को बाइज्जत भरी करवाया है। तो ये वो बेसिकली वही 70 सालों से वो लोग जो असेंबली में बैठे हैं और चंद एक फैमिलियाँ और चंद एक खानदान हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो जो हुकूमत में हो, सब ने मिलकर ऐसे कानून बनाए हुए हैं, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ताकि जो है ना कोई भी पावरफुल बंदा जो है उसमें वो आगे आ नहीं सकता। ये कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है, अगर वो 1 रुपए की चोरी करेगा तो उसको जो है 14 साल सजा हो सकती है, 20 साल सजा हो सकती है, लेकिन अमीर जो है वो अरबों की करप्शन करेगा उसके लिए इन्होंने इतनी आसानियां बनाई हुई हैं, इतने लूप होल रखे हुए हैं और नैब का सिस्टम और अदालतों के ऐसे सिस्टम है जिसमें से ये अब आसानी से जहाँ निकल जाते हैं। तो ये बैरून मुल्क रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी के लिए सच्ची जो बात है इंतहाई तकलीफ देह बात है।
मैं पिछले 2 साल से मैंने यहाँ पे यूके यूरोप और आप पाकिस्तान सही बिजनेस फोरम बनाया हुआ जिसका कह रहे नेचुरल में रूट हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आपके लेकिन मैं सिर्फ जानना ही चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जानना चाहता हूँ कि जो सरमाया जाना था, जो कारोबारी यहाँ से पैसा लगाना चाहते थे, जो नए की जो पकड़ धकड़ शुरू हुई, उससे ये कितना मुतासर हुआ, जो पैसा जाते जाते रुक गया? नहीं, उससे तो सच्ची जो बात है, ये कोई रुकावट नहीं आई। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि मैं यूके यूरोप और जी पाकिस्तान बिजनेस फोरम का चेयरमैन हूँ और हम पूरे जोर से जो इस बारे में कंपेन करते रहे हैं, और जितने भी यूके और यूरोप में बिजनेसमैन हैं उनको कहते थे अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो ताकि वहां पे रोजगार भी असर हो। नई हुकूमत आई है, अभी नए वाले जो करप्ट लोग हैं उनको जान पकड़ेंगे, सजाएं होंगी और हमारा मुल्क जो जी है जी बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन उसमें कमी तो नहीं हुई, बैरूनी मुल्क से आप अगर देखें तो बिलियन के हिसाब से, खास करके इस जून में तो 50% इजाफा हुआ है बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने जो जर मुबादला पाकिस्तान में भेजा है, और पिछले साल भी $3 बिलियन जो है अजाफी रकम बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान की है। लेकिन अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं नैब की वजह से और अदालतों की तरफ से फैसले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कोई खुशाइंद फैसले नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह करप्ट लोग जो है वो बचते रहेंगे, उनके बारे में कोई प्रॉपर सबूत नहीं होंगे, तो जाहिर है जो बैरूनी मुल्क लोग अपने मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं उनमें वो वलवला और जोश नहीं रहेगा। वो कहेंगे अगर वहां पे कानून ही नहीं है, वहां पे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, तो हम वहां पे जाके सरमायाकारी क्यों करेंगे। ठीक ठीक है, मैं फराज अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपसे जानूंगा इसी हवाले से, क्योंकि जैसे कि अब्दुल अजीज साहब ने कहा है कि पैसा जा रहा है मतलब वहां पे कारोबार में, लेकिन एक खास तबका ये कहता है जो मैं सवाल किया था इसी हवाले से कि कारोबार मुतासर हुआ नैब की पकड़ धकड़ की वजह से और पैसा नहीं आ पा रहा, तो जैसे कि क्योंकि ये बिजनेसमैन है यहाँ के और जाहिर है बेहतर इनकी निगाह है बिजनेस के ऊपर, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या समझते हैं कि वाकई उससे कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, ये लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि जनाब पकड़ धकड़ हो रही है तो हमारा हम सिक्योर हो जाएंगे वहां जाके अगर पैसे यहाँ से दिखे जाते? नहीं, सिक्योर तो नहीं होंगे इमरान भाई। असल में देखो, सिस्टम जो है जब पकड़ धकड़ करो तो आप ऑटोमेटिकली, आप देखो एकदम से एक चीज आ जाती है कि माफियाज खड़े हो जाते हैं, कभी पेट्रोल के माफिया तो कभी चीनी के माफिया तो कभी कुछ माफिया, तो ये इससे एक चीज का तो पाकिस्तान के अंदर बहुत आसानी से पता लगा है और हम सबको एक चीज का अच्छा अंदाजा हो गया कि वहां की माफियाज बहुत स्ट्रांग है। दे आर नॉट लाइक के इवन के वो गवर्नमेंट, यानी कि आप कैन यू इमेजिन के किसी मुल्क का वजीर आजम लाइव टेलीकास्ट करते हुए ये बोल रहा हो कि माफियाज आर सो स्ट्रांग, वो मुझे काम करने नहीं दे रही है। तो यानी कि हेड ऑफ द कंट्रोल होता है जो वजीर आजम जो होता है वो कमांडिंग पोजीशन पे होता है, उसके सारे बर्री बहरी अफवाज उसके अंडर में होती है, और आप अंदाजा ही करें कि पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे जब जो होता है वजीर आजम जब कोई बात कर रहा होता है तो उसकी बड़ी वजन होती है, बट आप अंदाजा ही करें कि माफियाज आर स्ट्रॉन्ग इन पाकिस्तान। नैब की वजह से भी और गवर्नमेंट आने की वजह से दो चीज हमको ये पता लगी है कि नैब भी बेबस है और वजीर आजम भी बेबस है और माफियाज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसमें माफियाज के अंदर इमरान भाई सिर्फ ये माफिया नहीं है कि एक आपका कोई वजीर माफिया है या कोई ब्यूरोक्रेट्स फाक है, इसमें माफियाज के अंदर हमारे निचली सतह पे जो हमारे पाकिस्तानी जो हम वोटर्स हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग, वो भी माफियाज की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि एक चपरासी हो गया जिसको तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट के इदारे से 20 से 25 हजार रुपए, बट सही, उसके मुंह पे खून लगा हुआ है जो रोज के पाकिस्तान में टैक्स डिपार्टमेंट में या काम करते हैं या कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रोज के वो 5 हजार से 10 हजार तो वो रोज के उठाते हैं वहां से, तो वो भी एक माफिया है। वो क्यों बिल्कुल कहेंगे कि वो 1 लाख रुपए जब अपने घर वो जो 20 हजार रुपए वो तनख्वाह अलग और 1 लाख रुपए वो जो अपने वो ले जाते हैं वो भी नहीं चाहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि हमारा सिस्टम के अंदर वी एज अ पाकिस्तानी हम सही होना भी नहीं चाहते, हम होना ही नहीं चाहते। आप देखिए, मुझे अंदाजा ये बताएं कि मेजोरिटी लोग जो है वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ है या कोई चीज के खिलाफ चल रहा है इस टाइम के ऊपर, तो वो मेजोरिटी ऑफ लोग के अपने आप देखें करीब से देखें तो मफादात बहुत ज्यादा है उनके, उनके मफादात बिल्कुल हैं उनकी, ऐसे लोग अपने बात कर रहे हैं। तो कहने का जी मकसद हाँ इट विल टेक टाइम एंड प्लस यू नो लाइक आई पर्सनली थिंक हमको जमातों से हट के बात करना चाहिए, ना इमरान खान ना नवाज शरीफ ना फलाना ना ढिमाका,
हमने ये सोचना चाहिए कि आप हमारे पास ये मौका था और मौका है कि हम लगे रहें अपने कामों के अंदर। भले आप अगर देखें जिस तरह नया पाकिस्तान जो कहा गया जाता है या अक्सर बेशतर ये स्लोगन भी किया जाता है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट कि जब नया पाकिस्तान, जब कायदे आजम जब यहाँ पे हम लोगों ने हिजरत करी और पाकिस्तान से लोग आए थे, सिस्टम आए थे, तो वो सिस्टम जो बन रहा था ना वो नया पाकिस्तान था। बट इससे खतरनाक चीज ये होता है कि पुराने पाकिस्तान से नए पाकिस्तान में कन्वर्ट होना, यानी कि एक करप्ट आदमी को आपने इंसान बनाया है, तो ये बहुत मुश्किल तरीन काम है जो ये भी हो रहा है। और पाकिस्तान में अगर उम्मीद है कि अगर सख्त कवानीन लेके आए जाए, सख्त कवानीन का मतलब है कि अदलिया के पास ये इख्तियारात, मैं पर्सनली इस चीज का बड़ा बिलीवर हूँ कि अदलिया के पास सिर्फ इख्तियारात हो सजा देने के, कि ये सजा है, ये इन्वेस्टिगेटिव के लिए, इन्वेस्टिगेटिव साइड के ऊपर इनको इंटरनेशनली जिस तरह यूके और यूरोप और हर जगहों के ऊपर एक सिस्टम है कि आप फेरेंसिक और इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से आप वो तफ्तीश करते हैं, पुलिस के हिसाब से नहीं कि पुलिस को लाठियां मार रहे, इस तरह का कोई सिस्टम बना दिया जाए कि वो सारे सबूत वो सारे साइंसी माहौल से लेके और लेके आए और वो सिर्फ जज के सामने ये रखें कि देखो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब तुम क्या सजा देते हो। क्योंकि मसला ये होता है कि इधर जो आइडेंटिफाई करने वाले होते हैं वो भी और जजेस भी और नीचे भी और सब मिले हुए होते हैं और बंदा छूट जाता है और उसके बाद आप हम लोग और आप लोग देखते रह जाते हैं कि क्या हो रहा है वहां। आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है अदालती जो इस्लाहात हैं, कानूनी इस्लाहात जो है वो बड़ी जरूरी है, पहले इस्लाहात हो जाए और जो जदीद इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए और उसके बाद फिर मतलब इस तरह से कार्रवाइयां की जाए और सबूत के साथ जो है उनको पेश किया जाए लोग, ये कहना चाह रहे हैं। इमरान भाई देखें, इमरान भाई हम यूके में बैठे हुए हैं, ये जो भाई ने बड़ी अच्छी बात करी कि इनको ख्वाब में पाकिस्तान नजर आता है, इससे पता लगता है कि ये पाकिस्तान इनके अंदर कितना बसा हुआ है, क्योंकि मुझे भी अक्सर बेहतर कभी ख्वाब में पाकिस्तान पहुंच जाता हूँ मैं अभी भी। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देखें इस मुल्क के अंदर अगर हम लोग रह रहे हैं ना, तो हम लोग रह रहे हैं लॉ की वजह से। आप अंदाजा ये करें कि हम अपने मुल्क के अंदर, हम एज ए पाकिस्तानी, हम बंगालियों के साथ कितना बुरा असर करते हैं, आप ये बता दें मुझे ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बता दें कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग अपने कोई कोई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई निचली वो हो या कोई स्वीपर हो और वो हम लोग फिरौनियत आ जाती है, हम लोग फिरौन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हमको पता है लॉ तो है नहीं भाई, बंगाली को मारेंगे तो पुलिस वाले आके और मारेंगे दो उसको, ओए तो बंगाली है तो उसको भी मार रहे होंगे फिर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ है। हम लोग अभी यहाँ पे बैठ के, मैं लोगों को पाकिस्तान के अंदर भी बताता हूँ और लोगों को बताता हूँ, अमेरिका की पुलिस को देखता हूँ, यूरोप की पुलिस को देखता हूँ, तो मैं इन पुलिस वालों को तो फरिश्ता कहता हूँ, क्योंकि ये जो है आते हैं हम लोगों से बड़े तमीज से बात करते हैं और बड़ा एक जो है, क्यों पुलिस भी डरती है लॉ की वजह से। आप लॉ जरा से स्ट्रिक्ट कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, पुलिस वाले आप देखिए आपको उठा के जितना मारेंगे वो आपको पाकिस्तान की पुलिस याद आ जाएगी। सिर्फ लॉ स्ट्रॉन्ग करने से, क्योंकि लॉ के ऊपर जजेस भी जो हैं वो भी यहाँ के यूके के जजेस भी डरते हैं, क्योंकि आपने अगर कोई फैसला कर रहे हैं वो 50 दफा ज्यूरी बिठाते हैं वो लोग। यहाँ पे ज्यूरी कौन होती है? वो सिटीजन जो यूके के अंदर सिटीजन होते हैं, वो लोग फैसला करवा के आगे ज्यूरी के हिसाब से जज के पास रखते हैं सामने, अगर कोई बड़ा केस हो रहा है चीजें करके। तो कहने का मकसद ये, हमारे वहां पे तो जो है ना मेन अहम तरीन चीज जो चीज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी सबको पता है जजेस किस टाइप के हैं क्या है, कि बीबीसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी वो, यानी कि वो लोग हंस हंस के पागल हो गए कि वो जज के पूरी कार्रवाई दिखा रहे थे बीबीसी के ऊपर, के देखो वहां पे फैसला कैसे करते हैं, वो नाइफ सब्जी काटने वाली नाइफ के हिसाब से वो खेल रहा है जज, और फिर पता नहीं क्या बातें कर रहा है। तो ये तो हमारा सबसे अहम तरीन जो जगह है वो जुडिशरी है, वही सही नहीं होगी तो कहाँ से काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खलील साहब आपकी तरफ, क्योंकि आप जाहिर है वहां पे रुकने सूबाई असेंबली में रह चुके हैं, तो आप क्या देखते हैं, अदालती निजाम पहले बेहतर करना पड़ेगा, मतलब कानून बेहतर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर इस तरह के इदारे, नैब जैसे इदारे काम कर पाएंगे, या आप क्या क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जी देखें, सबसे पहले तो मैं फराज भाई की एक बात की करेक्शन कर दूं, जो फराज भाई ने भी कहा कि वजीर आजम साहब जो हैं ये तमाम एयरफोर्स के और फोर्सेस के इंचार्ज होते हैं, तो फोर्सेस के इंचार्ज जो होते हैं वो सदर पाकिस्तान होते हैं कानून के मुताबिक, वो सुप्रीम कमांडर इन चीफ होते हैं सदर पाकिस्तान, तो वजीर आजम जो है वो नहीं होते, सदर पाकिस्तान होते हैं। और जहां तक दूसरी बात रही, बात यह है कि हमारे यहाँ रियासत के रिट हमें कायम करनी है, कानून मौजूद है,
कानून पे अमल दरामत करने वाली जो हुकूमत है वो हमें मैसर नहीं आ रही है, और वो इसलिए मैसर नहीं आ रही है कि हमारे यहाँ जमहूरी इदारों को और जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। जब भी जमहूरी इदारे रूटीन में आते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं, तो ऐसी हरकतें कुछ सियासतदानों की तरफ से हो जाती हैं, कुछ और दूसरे हलकों की तरफ से हो जाती हैं, कि वो सियासत जमहूरियत को जो है वो लपेटना पड़ जाता है, बकौल फराज भाई के और बकौल हमारे चौधरी साहब जो बैठे हुए इनके। लेकिन उसका असर ये होता है कि जो एक पब्लिक की प्रैक्टिस है इंतखाबात की, और जिसमें वो ये देखते हैं कि साहब किसकी क्या कारकर्दगी थी, जब तक आप 5 साल की कारकर्दगी नहीं देखेंगे। देखे ना, कोई भी शख्स अपने मैनिफेस्टो बना के आता है, जब वो मैनिफेस्टो बनाता है और वो इलेक्शन में लेकर आता है, तो लोग उसको इलेक्शन में उसको चूज करते हैं। लोगों के पास इख्तियारात होते हैं कि वो अपने वोट से, अपने अपने वोट की ताकत से उसको लेकर आए। अच्छा, जब वो अपने वोट की ताकत से ले आए, अब वो चाहे ईमानदार आदमी हो या बेईमान आदमी हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना है जमहूरियत के अंदर। तो असल असल चीज ये है कि हकूमत की जो रियासत की जो रिट है, उसको रिट को कायम करना है। अब रिट रियासत की ये है कि अभी आप देखें चांद के मामले पे पिछले 3 दिन से एक वजीर साहब कुछ और फरमा रहे हैं, दूसरा वजीर साहब कुछ और फरमा रहे हैं, ठीक है। सही काबीना के अंदर बैठ के फैसले कुछ और हो रहे हैं, काबीना के फौरन बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वजीर साहब कुछ और कह रहे हैं, दूसरे। इसलिए कि वजीर आजम की रिट नहीं है, वजीर आजम की रिट इसलिए नहीं है कि वजीर आजम जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, और उसने अपने बेवकूफाना इकदाम से ही साबित कर दिया कि जिसकी वजह से लोग जो है वो उसकी रिट को नहीं कायम रखने दे रहे। कानून मौजूद है, हर चीज मौजूद है, इदारे मौजूद आप है। समझ देखे ना, लीजिए नैब का कानून जो है, इदारा कानून इसलिए में बनाया पानी गया जो था है, परवेज आप मुशर्रफ है। देखिए, समझ लीजिए जो परवेज कानून है वो मुशर्रफ साहब, बिल्कुल सही है, कवानीन सही आपके मुताबिक, मतलब आप समझते हैं अदालती निजाम में कोई इस्लाही इस्लाह का दोष नहीं है। देखिए, कवानीन बिल्कुल सही है, उनपे अमल दरामद करने वाले जो इदारे हैं उनको मजबूत होना चाहिए, वो उस पर भरपूर अमल दरामद कराएं, और तमाम फैसले जो है वो मेरिट की बुनियाद पे हो। मेरिट का खून आपने कर दिया, इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि पूरे मुल्क में मुनसिफाना सेंसस होने चाहिए। जब तक मुनसिफाना सेंसस नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है। मुनसिफाना सेंसस हो सही पूरे पाकिस्तान में, और मेरिट की बुनियाद पे लोगों को आप आगे लेकर आए। एक इदारा दूसरे सही इदारे के काम में मुदाखलत ना करे, कानून मौजूद है, कवानीन मौजूद है, उसके ऊपर भरपूर अमल दरामद हो। गवर्नमेंट की रिट जो है वो बरकरार होना चाहिए, अपनी अपनी सियासी पार्टियों के जो लीडर हैं उनको अपने इमेज और अपनी गुफ्तगू में इतनी शायस्तगी और इतने अपने स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए अपने आप को कि लोग उनको देख के मिसाल पेश कर सकें। लेकिन आज भी लोग सही मिसाल देते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की, उसके अलावा आप ये देखें ना मोहम्मद खान जो एक वजीर आजम हमारे यहाँ गुजरे, लोग आज भी उनकी मिसाल देते हैं कि यार बेइंतहा शरीफ आदमी था, जी हाँ, ठीक 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 है ना। बिल्कुल, मैं जॉय तो साहब अगर आपको आप अपने असल में हमें अपने पाकिस्तान की तस्वीर खराब करके पेश नहीं करनी है, हमें पाकिस्तान की तस्वीर अच्छी करके पेश करनी है, हमें अपने आप को संवारना है। हम अगर एक सही दूसरे के सही ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे, इल्जाम को देखें, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना आज तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो सकी है। लियाकत अली खान के मर्डर से लेके बेनजीर भुट्टो के मर्डर तक और तमाम चीजों तक आज तक कोई चीज आप प्रूफ नहीं कर सके हैं। और उसके सही ठीक अलावा यही एक अदालती सिस्टम है कि जब अब आप अदालत में जब देखें ना मेरिट को खून करके जब आप ऐसे लोग ऑफिसर्स को लेकर आएंगे जिन्होंने सीएसएस का इम्तिहान ही नहीं दिया, जिन्होंने कानून का इम्तिहान ही पास नहीं किया, जो बगैर इम्तिहान दिए पायलट आपके जो जहाज चला रहे हैं और उसकी बुनियाद पर आप पूरी दुनिया में जलील ख्वार हो गए। आप देखें ना, सही आज हमारी एयरलाइन पूरी बंद हो गई, पूरा एविएशन सिस्टम बंद हो बिल्कुल गया, ये हर जगह मौजूद है ये बिल्कुल चीजें। जब आप मेरिट का सही खून करके आप सियासी बुनियादों पे या पसंदीदगी की बुनियादों पे या सूबाई तासुब की बुनियाद पे जब आप किसी को लेकर आएंगे सुपरसीड करके, तो फिर उसका यही अंजाम होगा। मुल्क में ठीक आप ठीक ये ना देखें कि ठीक कौन क्या है, ये देखें कि वो सही उसमें काबिलियत कितनी है, काबिलियत की बुनियाद पे लेकर आए, मेरिट की बुनियाद पे लेकर आए, सही इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और सारी चीजों पर हम काबू पा इंशाल्लाह लेंगे। ठीक। मैं चौधरी अब्दुल अजीज साहब आपसे जानना चाहूंगा इस हवाले से कि एक और खबर जो हमने अभी निगाहों से गुजर रही है, मुसलसल गुजरी, दोहरी शहरियत के हवाले से, और जब भी हर हुकूमत में हमने देखा कि दोहरी शहरियत के हवाले से बहुत बातें हुई, और जब भी यहाँ के लोग या अमेरिका के, यूके के लोग जब वहां पे
हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, उसमें लहरें उनकी चीजों में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो एकदम से ये आवाज बुलंद होती है कि जनाब दोहरी शहीद वालों को आगे ना आने दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी इतनी ज्यादा मोहब्बत कर, जैसे कि आपने खुद ने फरमाया कि आप सोते में भी ख्वाब जो है पाकिस्तान के देखते हैं, तो यहाँ का हर बिजनेसमैन इसी तरह से देखता है और हर जो पाकिस्तानी शहरी वो इसी तरह से सोचता है कि जितना मैं अपने मुल्क के लिए कर सकूं वो करूं। आप क्या समझते हैं कि दोहरी शहीद के हवाले से और जो हकूक हैं इसी हवाले से, जो ओवरसीज पाकिस्तानी के जो हकूक हैं, वोट का राइट, ये तमाम चीजों पे अमल दरामद अभी तक नहीं हो पा रहा, और इसको आप किस तरह से देखते हैं? इमरान साहब, मैं जैसे कि आप पहले खलीलुल्लाह साहब बात कर रहे थे कानून के हवाले से, मैं समझता हूँ यही जो सारा प्रॉब्लम है जमहूरियत का, पिछले 70-72 सालों से जो हमारे सियासतदान हमेशा, मैं खुद ज़्यादा 35-40 साल तक जो है जमहूरियत के नारे लगाता रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने जब देखा है पीछे जाके, जब भी डिक्टेटर आए हैं उन्होंने बेहतर हुकूमतें की हैं, उन्होंने बेहतर जमहूरी तरीके से हुकूमतें की हैं। अगर अयूब खान को देखें तो उसने 17 डैम बनाए पाकिस्तान के लिए, अगर वो 17 डैम और नहरी सिस्टम ना होता तो आज पाकिस्तान जो है वो बंजर हो चुका होता। हमारी जमहूरियत सही हुकूमतों ने अभी जो है एक पहला डैम बनाया है, उसके बाद जो बाकी भी डिक्टेटर आए हैं मैं समझता हूँ कि वो इनकी नस्बत बेहतर जो है वो जमहूरी तौर पर जो है वो हुकूमतें करते रहे। हमारे सियासी लीडर जो है वो सबसे बड़े डिक्टेटर है, इनकी जमातों में कोई जो है जमहूरियत नहीं है और ना ही जो है आगे पार्टियों में और ना ही ये असेंबलियों में वहां पे बैठे हैं। जो बात फराज भाई कह रहे थे, बात असल में ये है कि हमारे कानून जो है वो 100-100 साल, 200-200 साल, 100 साल पुराने हैं। इन कानून को चेंज करने की जरूरत है, इसलिए कि एक जज अगर कोई गलत फैसला दे तो उसको भी पूछ होनी चाहिए, अगर कोई वजीर जी आजम कोई गलत बात करता है तो उसको भी पूछ होनी चाहिए, अगर एक आम जी मुल्क जैसा और आप जैसा शहरी जाके टीवी पे किसी की पगड़ी उछालता है और गलत बयानी करता है उसको भी पूछ होनी चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो सही या छोटा हो, किसी को कोई राइट नहीं है कि किसी के खिलाफ बिला वजह एविडेंस के बगैर। और जो नया नए पाकिस्तान की बात हो रही थी, फराज भाई भी पहले कह रहे थे कि आप एक खोखे वाले के पास जाएं और उसके उससे कुछ चीज लें 10-20 रुपए की, वो डबल कीमत आपको लगाएगा, जब आप पूछेंगे यार इतनी महंगी क्यों तो वो हंस के कहेगा ये नया पाकिस्तान है, डबल चार्ज वो जी खुद हाँ कर रहे हैं आपको, लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं नया नए पाकिस्तान को। अगर हमारे पास सही नए कानून हो तो मैं समझता हूं कि उस पे अदलिया भी जो है ना, अभी जो हमारे जो प्रॉपर्टी के हवाले से, मुझे पाकिस्तान के कानून का तो नहीं पता, हमारे आजाद कश्मीर में एक बंदा मेरे पास आया और उसका वो केस था सुप्रीम कोर्ट में, और उसने कहा जी कि फलां सियासी शख्स को आप जानते हैं, अगर उसको फोन करें और वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो मैंने पूछा वो केस कब शुरू हुआ था, वो कहता है 1935 में ये केस शुरू हुआ था, उसके दादा ने शुरू किया था, उसका दादा भी फौत हो गया, उसका बाप भी फौत हो गया और अब उसके हक में फैसला हुआ है, लेकिन उसको जमीन का कब्जा मिल नहीं रहा। ये हमारे 200-200 साल, 100-100 साल पुराने जो कानून है जिनमें ये जजेस और वकला जो है मिली भगत से लोगों को इंसाफ देने की राह में रुकावट है। हमारे असेंबली मेंबरान का ये काम है कि ये कानून नए कानून लाए, ताकि अगर कोई जज गलत कर रहा है तो उसको भी पूछो, कोई आम बंदा गलत कर रहा है उसको भी पूछो। और हमारे टीवी चैनल्स इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूँ कि वो जिसकी चाहे वो पगड़ी उछाल देते हैं और जिसको चाहे वो चोर बना देते हैं, जिसको चाहे वो उकरा बना देते हैं, इनको किसी को हक नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है तो किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी की पगड़ी उछाले, किसी को करप्ट कहे, किसी को चोर कहे और किसी के खिलाफ बात करे। हमारा अलमिया यही है कि हमारे कानून में बहुत बड़ा सिकम है और उसको बेहतर करने की जरूरत है, वो टॉप से लेकर बॉटम तक, जब तक हमारे कानून में बेहतरी नहीं आएगी। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने। और मैं यहाँ पे एक वाक्य जरूर कोट करना चाहूंगा इस हवाले से, जो कि अब्दुल अजीज साहब ने कहा कि मतलब सालों बरसों जो है वो कवानी जो है वो केसेस चलते हैं। तो एक साहब थे, वो एक किसी शख्सियत के पास गए और उससे कहा भाई ये वो फला जो जमीन है उस पर कब्जा जो है हुआ हुआ है, तो वो सीनियर से सीनियर लोगों तक पहुंचे। आखिर में पता चला कि जब हाई का सीनियर के पास पहुंचे और उससे पूछा कि वो कब्जा है और कैसे हुआ, उसने कहा भाई सीधा सा तरीका है, जो प्योन है ना उसको 30,000 दे दे बस। तो कहने का वाह मकसद वाह यह है कि अगर प्योन को 30,000 दे दिए जाते हैं तो वो कब्जे खत्म हो जाते हैं, तो ये बात आगे बढ़ती ही नहीं है। तो ये कानून है और कानून पे अमल बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल
इस हवाले से जाहिर लोग मुश्किलात का शिकार है। मैं फराज अहमद साहब आपसे इस हवाले से जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अब्दुल अजीज साहब से ये पूछा था कि दोहरी शरीयत का इशू जो है अब वो उठता है हर हुकूमत के अंदर, लेकिन किसी सूरत में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो दिन रात अपने अपने मुल्क के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं और मोहब्बत करते हैं और यहाँ से बेतहाशा सरमाया वहां तक पहुंचाते हैं, तो आप क्या समझते हैं इनके हकूक के हवाले से बात की जाती है तो आप किस तरह से देखते हैं कि दोहरी शरीयत की बात आ जाती है अगर यहाँ से नुमाइंदे वहां पे कुछ खिदमत अंजाम देना चाह रहे हो, कैसे देखते हैं आप? जी मैं भी वैसे ही देखता हूँ जैसे आप देखते हैं। बाकी हम मेरे भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। आपका ये बहुत अच्छे तरीके से आप पूछते हैं हमेशा कैसे देखते हैं आप। तो मैं आपको एक तो पहले ये कि मैं जनाब खलीलुल्लाह साहब को बड़े अदब के साथ ये बोल दूं कि इमरान खान जो इन्होंने बता रहे थे कि सदर पाकिस्तान होते हैं, इमरान खान क्योंकि वहां का जो है वो बेसिकली अपने पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने ही अपने वजीर आजम सदर को भी लगाया है। मैं उस लिहाज से बात कर रहा था कि उनके पास ही गॉट हिज पावर, क्योंकि उनके पास पावर होनी चाहिए और चीजें होनी चाहिए। और जहां तक वो खलील अल्लाह साहब कह रहे थे कि उनका ना तजर्बेकार है और उनको आप, तो मेरे ख्याल से इस तरह होना चाहिए कि पहले 3 महीने के लिए या 3 साल के लिए लोगों को तजर्बे के लिए लेके आए, पहले हम लोग उनको बोले भाई तजर्बा लो, और तजर्बा लेने के बाद आ गया। और यानी कि वजीर नवाज शरीफ साहब 50 दफा बाढ़िया लेने के बावजूद भी उनकी लास्ट स्पीच में आप देखिए तो कहते हैं यार मुझे तो 5 साल पता ही नहीं लगते थे कि ये होते क्या है। और मैं हर दफा जो है ना वो मैं बोलता हूँ कि यार थोड़ा मुझे और मौका दो और फिर मुझे पता लगे कि ये सिस्टम चलता कैसे, चीजें कैसे होती है। ये एक मिथ है आपकी। अगर यूके के अंदर भी नए नए लोग आते हैं, नए वजीर आजम बनते हैं जो पहली दफा बनते हैं वजीर आजम, अभी ये जो हमारा वजीर आजम बोरिस जॉनसन बना है, क्या ये पहले क्या टेस्ट मैच खेलता हुआ आ रहा है, डायरेक्ट वजीर आजम बना है, ये भी सिस्टम बना हुआ है ना सर, सिस्टम बना हुआ है, सारी चीजें मौजूद हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहां पर, तो आप सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं ना। जो बंदा लड़ने आ रहा है, चीजें करने आ रहा है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, उसको तो सारा सिस्टम को समझना और चीजें करना करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जहां तक आपने वो बात कर रहे थे इमरान भी जो करप्शन के अंदर और वो उसके ऊपर बात कर रहे थे आप, एक वाकया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको सुना दूं कि बड़ा एक कराची के अंदर एक बंदा था, एक बूढ़े बाबा, उनका घर में ना चोरी के लिए एक बंदा घुसा और वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चोरी कर रहा था। तो वो सही चोरी करने के लिए अंदर गया तो उसको पकड़ लिया बाबा ने, उसने कहा चोर, तो पीछे मोहल्ले वोल्ले आ लोग आ गए, उसको पकड़ लिया उसको, तो जी वो लेके चले गए जी थाने में, वो चोर पकड़ा है। तो बाबा जी भी बड़े खुश के मैंने चोर पकड़ा और ये पकड़ा है। बाबा जी बड़े गरीब आदमी और एक ही टीवी था उनके पास और बाकी टूटी फूटी चीजें थी। थोड़ी देर के बाद अगले रोज जो है वो पुलिस वाला आकर टीवी उठा के ले गया, क्योंकि भाई इसके ऊपर मुकदमा चलेगा, ये चलो लेके आ जाओ। शॉर्ट स्टोरी ये कि उन बाबा जी के टक्कर लग लग के वो पेशियों में इतना बुरा हाल हो गया कि आखिरी में उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है इस मुकदमे से फारिग हो रहा हूँ और मुझे नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो फिर एंड में क्या हुआ, वो जो जिसने चोरी करी थी वो डट गया, कहता है कि नहीं मैंने तो चोरी करी है और आपको आना पड़ेगा। तो बाद में ये पता लगा कि उस चोर ने कहा है कि मुझे 25,000 रुपए पाकिस्तानी दोगे तो मैं मुकदमे से हटूंगा वापस। आप अंदाजा ये क्या करें कि 25,000 रुपए बाबा ने दिए, टीवी भी गया, 25,000 भी गए, और कानून में उनके साथ क्या आचार हुआ। तो ये है पाकिस्तान का कानून सर। तो अब आप ये सही मुझे बताइए कि इमरान भाई इस कानून के साथ आप लंगड़े लूड़े कानून के साथ, अब ये खलील साहब कह रहे थे कि ये कानून तो है, एप्लीकेशन नहीं है। भाई कानून है कि चलाने के लिए आपको निजाम के सिस्टम की जरूरत है, सिस्टम ही तो असल चीज है। एक बंदा स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, उसके जख्म और घाव हुए हुए, और उसको आप गोलियां गलत खिला दें, उनको चीजें खिला दें, वो सही कहां से होगा? वो सही तो तब सही होगा जब आप उसको गोलियां सही देंगे, चीजें सही देंगे उसके ऊपर। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में ये सिस्टम है। और दोहरी शहरियत की आप बात कर रहे हैं, जो पहली शहरियत वाले लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं, दूसरी शहरियत वालों को क्या, हम लोग तो वो मुकद्दस गायें हैं जो यूरोप और यूके में और अमेरिका में और जगह पर रहते हैं, मुकद्दस गायें हैं जिनको दो अल्फाज मिलते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे दिल के बड़े करीब रहते हैं, और पैसे भेजो, चीजें भेजो, ताकि हम, तो हमारे लिए सिर्फ ये दो अल्फाज बहुत है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमको पैसे भेजो। वहां पाकिस्तान चले जाओ तो पाकिस्तान के अपने पाकिस्तानियों की बात ये होती है कि यार तुम हमारे पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हो पाकिस्तानियों की, तुम तो वहां रहते ही नहीं हो, तुम तो कुछ चीजें नहीं करते हो। हालांकि ये नहीं पता है कि हम लोग जो रेवेन्यू भेज रहे होते हैं उससे पाकिस्तान का कितना बड़ा फीसद हिस्सा चल रहा होता है। तो हम लोग वो मुकद्दस गायें सिर्फ और सिर्फ
नाम के जो है ना वो खुश करने के लिए कोई ना कोई वजीर आजम आता है, कोई ना कोई इस तरह बात कर देता है। बट इमरान खान ने इस दफा बहुत अच्छी एक मूव दी थी, जो सेनेट के अंदर भी उन्होंने ये जो फैसल जावेद साहब है उन्होंने भी बात करी थी कि एक लॉ लाया जाए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को पूरा हक मिलना चाहिए, चीजें मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन कि और जमातें जो बैठी थी उनको ये पता था कि इनकी सीटें जी ज्यादा हैं बाहर ममालिक में और चीजें हैं, तो उन्होंने ना वोटिंग का हक करने दिया ना चीजें करने दी। बट ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कुछ ना कुछ आगे चल के बेहतर होगा। बट मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में बैठ के ये बहस होती है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी आ गए और तो ये यार उनको अपने मिनिस्टर क्यों बना दिया, उनको बना दिया, हम लोगों को ओवरसीज बैठने वालों को इस चीज पर शदीद एहतजाज करना चाहिए कि क्या जब पैसे मांगते हुए उन लोगों को एहसास नहीं होते और आवाज नहीं आती कि जब पाकिस्तानी जब जैलाब जदगान आते हैं चीजें आती हैं हम लोग पैसे भेजते हैं यहाँ पे, तब पाकिस्तानी नहीं है हम लोग, सिर्फ जब भी कोई सीट होती है चीजें होती है तो आप हम लोगों को इस तरीके से थर्ड वर्ल्ड थर्ड थर्ड सिटीजन पेश करने के बाद हम लोगों के साथ ये चीज पेश करते हो, तो हम लोगों का ना कोई एहतजाज बिल्कुल करने वाला है हमारा ओवरसीज वगैरह का, और यही चीज चलती रहेगी मेरे ख्याल से। खलीला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि शहर दोहरी शरीयत के हवाले से आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इन ममालिक में रहते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस आवाज को जो इस वक्त बुलंद हो रही है वहां पे? देखिए जी, पहले तो बाद में अपने फराज भाई की बात को एक क्लियर फिर कर दूं कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी सियासी जमातें मुस्तहकम होती हैं वो अपनी अपनी सियासी जमातों में बाकायदगी से क्लासेस होती हैं और उनको सियासी गुर सिखाए जाते हैं, और हर मुल्क में एक शेडो कैबिनेट बनती है। अगर जो लोग जो हकूमत पार्टी हकूमत नहीं बनाती वो एक शेडो हकूमत बनाती है जो उसके पैरेलल चलती है, उसमें इख्तियारात नहीं होते लेकिन उसमें सिखाने के गुर सिखाए जाते हैं। तो ये चीज तो होती है, और ये पाकिस्तान में भी जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो अपने लोगों को तरबियत देती हैं, तो तरबियत तो होनी चाहिए। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन को आप जो है ऐसा करें, मोहम्मद आमिर जो क्रिकेट के बॉलिंग कराते हैं उनको आप ला के अब्दुल अजीज साहब की जगह बिजनेस करा दें, तो फिर देखें कितना बिजनेस चलता है वो। सही, तो नहीं पहली बात तो ये हो गई क्लियर कि जब सही कह सियासी पार्टी बनाई है, सियासी चीजें बनाई हैं रहे और सियासी पार्टी में आए हो तो तरबियत भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, सोच भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। हो अब देखे ना, आप। हर प्रोग्राम में जो लोग हैं इसीलिए क्लिप्स दिखा, पुराने पुराने क्लिप्स निकाल के दिखाने के, देखें जी आपने ये कहा था इस वक्त। अच्छा, दूसरी बात रही आपकी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुताबिक जो ये ड्यूल नेशनलिटी है, मैं तो ये कहता हूं कि इस हकूमत को सबसे ज्यादा इस पे स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि ये जो इमरान खान साहब की हकूमत है इसकी 99% हिमायत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की है। बिल्कुल बाहर के रहने वालों ने सच्चाई के साथ इनका साथ दिया है, इन्हें उनके हकूक के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। ड्यूल नेशनलिटी होना कोई गुनाह नहीं है, हम भी पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के लिए जैसा अभी फराज भाई ने बताया, अब्दुल अजीज भाई ने बताया कि जब कोई बुरा वक्त आता है तो सबसे ज्यादा चैरिटी जो है वो यही ड्यूल नेशनल देते हैं, सबसे ज्यादा चंदा भी यही ड्यूल नेशनल देते हैं, सबसे ज्यादा मुल्क के लिए रेवेन्यू भी यही ड्यूल नेशनल देते हैं। तो इनको वोट का हक भी होना चाहिए और इनके लिए, इनके हकों के लिए तहरीक इस्तकलाल को सबसे आगे आना चाहिए, तहरीक इंसाफ को, सॉरी तहरीक इस्तकलाल में कह गया, तहरीक इंसाफ को सबसे आगे आना चाहिए, इसलिए कि तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी है, और यही वजह है कि उन्हें एक दुख है एक तकलीफ है कि सारी मेहनत इन्होंने की, पैसा इन्होंने लगाया, इन्वेस्टमेंट इन्होंने की, और फायदा जो है वो उठा रहे हैं जो पाकिस्तान से वो मुस्तार लिए गए हैं, मखद किस्तों के ऊपर जो लिए गए, मैं तो उनको यही कहूंगा जो मुशीरान किस्तों पे लिए गए हैं वो बड़े अफसोसनाक वाली चीज है। अगर पहले से प्रैक्टिस होती और कैप्टन साहब को ये पता होता है कि उनकी टीम में कितना वजन है कितनी चीजें हैं, तो उनके साथ ये नहीं होता। और अब भी चाहे अगर वो अपनी सियासत को आगे चलाना चाहते हैं तो अपनी टीम को अच्छी तरीके से लेकर आए, टीम में स्क्रूटनी करें, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उनके साथ। और ये हर सियासी पार्टी में देखिए, हर सियासी पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और हर मुल्क में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क में हर चीज है, हमारे मुल्क में अगर हम ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दें, हम दूसरे को ना देखें, हम सिर्फ अपना काम ईमानदारी से शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बिल्कुल सही हो जाएगा। वो मैंने आपसे कहा ना कि हर चीज मेरिट की बुनियाद पे होनी चाहिए, और मेरिट पे सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए
कि कोटा सिस्टम का खात्मा होना चाहिए, मेरिट के ऊपर लोगों को लेकर आना चाहिए। और 1971 में जो हमारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी भाई थे, जिन्हें हम बिहारी कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी, वो आज 35-40 साल से वहां कैंपों में पड़े हुए हैं। उन वो पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के साथ शाना बशाना लड़के कुर्बानियां दी, उनको पाकिस्तान में लाया जाए, उनको बसाया जाए, और आप ये देखें कि वो पाकिस्तान की तरक्की में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। वो तो हमारा पाकिस्तान बुरा नहीं है, सिर्फ सबसे बेहतर ये है कि हमें अपनी गवर्नमेंट जो भी आए उसके रिट को बरकरार रखना है। देखिए, गवर्नमेंट जो आती है वो हमारे वोटों से मुंतखब होके आती है, और जो भी मुंतखब होके आता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो इमरान साहब हों, या चाहे वो कोई और भी आने वाला मुस्तकबिल का कोई भी हो, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। हमें वोट का एहतराम जब तक हम करना नहीं सीखेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। वोट का एहतराम और हुकूमत की रिट, ये दो चीजें अगर हम अपने अंदर, अपने ईमान के अंदर बसा लें तो हम दुनिया की सबसे अच्छी कौम बन सकते हैं। फराज कुछ कहना चाहते हैं? जी फराज, क्या कहना चाहते हैं? मैं खलील साहब ने बड़े अच्छी बातें करी हैं, और ये मुझे ऐसा लग रहा है ख्याली दुनिया नहीं होती है। ख्याली दुनिया में ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिट होनी चाहिए, ये तो हम 50 खलील साहब 50 प्रोग्रामों में एक ही बात सुनते रहते हैं, होना चाहिए। जो आपकी हमारी आवाम अभी सुन रही होगी, वो लोग भी बैठ के रिमोट से यही बात कर रही होगी, ये फिर वही प्रोग्राम होना चाहिए। हम असल में कोर के ऊपर नहीं जा रहे, हम पाकिस्तानी जिधर भी बैठे हुए हैं, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वर्दी के बाहर हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं पे भी हो, हम सब एक बहुत इजी रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। भाई पैसे दे दो काम हो जाए, चीजें दे दो काम हो जाए। हम अपने आप को कब चेंज करेंगे, मुझे बताइए आप। हम यहाँ पे यूके में रहते हैं, लॉ पे चल रहे होते हैं, क्या हम और आप पाकिस्तान में जाके क्या रिश्वत नहीं देते इनको काम के लिए? मुझे बता दें, हम भी कहते हैं, हम तो ये बोलते हैं यूके में बैठ के यार पाकिस्तान से बढ़कर मुल्क ही नहीं अच्छा। क्यों नहीं? वहां पे आप जाते हो बादशाह होते हो, ओ जी 50 गाड़ियां आ रही हैं, बंगले आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, चीजें दे रहे हो आप, और पैसों से बैठ बैठ कर आप यहाँ पे बैठ के आप पाकिस्तान में क्या काम करवा सकते हैं? आप मुझे बताइए, आप बैठते हो भाई फोन पे आ गया भाई फलाना चीज करवा दो यार, ये हो गई। क्यों? क्योंकि सिस्टम वहां पे इन्फ्लुएंस ही नहीं करवा रहा। क्यों? क्यों? हम लोग खुद चाहते ही नहीं। हमारा कोई बंदा, अब मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा, मैं पाकिस्तान में जब मैं रहता था तो मैंने एक लाइसेंस बनवाना था अपना। मैं लाइसेंस बनवाने के लिए मैंने कहा मैंने रिश्वत किसी को नहीं देनी और मैंने अपना लाइसेंस बनवाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉलेज के दौर की फर्स्ट ईयर के अंदर था मैं, एक शुरू से बड़ा एक नजरियाती टाइप का माहौल होता था कि मैंने कहा नहीं मैंने करवाना है। जलील ख्वार हो गया, लाइसेंस नहीं बना मेरा। मुझे हर जगह पे जाके कहता यार ये कर लो, फलाना कर लो, दिमाग कर लो। क्या हुआ? पर सीन क्या हुआ कि हम लोग एज ए बजाते कौम, बजाते पूरे पूरी हो, हम लोग खुद बहुत करप्ट हुए हुए। हम वजीर आजम को बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, हमारे अंदर नहीं आएगा जब तक चेंज तो कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ पे भी बैठ के भी शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे होते क्या? यार यार ये नहीं तो ऐसे करवा लो यार, डब्बे लगवा लो यार, ये चीजें लगवा लो। वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। ये जितनी भी देखिए फराज भाई, हम जिस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये इमरान भाई का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम है काविश। हमें काविश करते रहनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। जब तक हम काविश रहेंगे, हमारी काविश पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे को सही करने का दावा नहीं कर सकते। काविश के साथ इनका प्रोग्राम का नाम हो जाए काविश भी, पर काविश से पहले आईना, आईने में हम अपने आप को देखें पहले, हम खुद कितने। तो ये आप अपने प्रोग्राम का नाम भी चेंज कर दे, आईना काविश कर दीजिए, ताकि हम लोग अपने चेंज लेके आए। ठीक है, ठीक। मैं अब्दुल अजीज चौधरी, अब्दुल अजीज साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जो गुफ्तगू आपने सुनी खलीलुल्लाह साहब की और फराज अहमद साहब की? इमरान साहब, मैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से बात हो रही थी, मैं समझता हूँ कि जब हम किसी भी बैरून मुल्क मुल्क में आते हैं तो चंद सालों के बाद हमें वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है और हमें सारी जो वहाँ के होते हैं हकूक होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा इस मैं मेरा तल्लुक इस मुल्क से नहीं है, ना ही मैं इसमें पैदा हुआ, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई है और मैं और मेरे बच्चे और जितने भी एक अंग्रेज़ के हकूक हैं वो हमें भी मिल रहे हैं। जिस तरह कोई आम जो अंग्रेज़ है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है, मैं भी उस तरह ले सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा अहमिया है कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है हमें वहाँ पे सियासत में हिस्सा लेने से जो है वो रोका जाता है और
खास करके जो लोग अभी एडवाइजर हैं, मैं किसी को जाती तौर पर नहीं जानता हूँ और ना इस चीज में बात है, मैं वकालत करता हूँ, लेकिन बहसीयत ओवरसीज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ इस वक्त जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उन सब की तोहिन हो रही है क्योंकि ये बाहर में हंसे आए हैं, इनके लंदन में इतने असासे हैं, क्या वो जो है वो पाकिस्तान से लेकर आए हैं यहाँ पे असासे बनाए? मेरे भाई यहाँ पे दिन रात हम काम करते हैं, कारोबार करते हैं, अगर हमारे असासे इस मुल्क में हैं और अगर हम जाते हैं अपने मुल्क में सियासत करने के लिए, अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, तो हमें क्यों रोका जाता है? दूसरी जो बात है ना, वो जनाब खलीलुल्लाह साहब ने इमरान खान के बारे में तजर्बे के बारे में बार बार वो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ सच्ची जो बात है इमरान खान, मैं इनसे बिल्कुल इतफाक करता हूँ कि वो पाकिस्तानी सियासत में उनको एक्सपीरियंस नहीं है। उनका एक्सपीरियंस ये था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 6,000 अरब से 14,000 अरब कर्जा ले लिया था, 130% उन्होंने इंक्रीज किया था। इमरान खान को भी चाहिए था कि 30,000 अरब से कम अज कम ले जाना चाहिए, 80,000 अरब पे और 90,000 अरब पे कर्जा लेके जाना चाहिए था, पेट्रोल सस्ता रखना चाहिए था, गंदम सस्ती रखनी चाहिए थी, कीमत की प्राइस सस्ती रखनी चाहिए थी, मीडिया को खुले पैसे देना चाहिए थे इश्तहारों के, ताकि हर मीडिया क्या उसके हक में बात करता, और ये जितनी भी सियासी पार्टियां जो करप्ट लोग थे इनको भी खूब पैसे बांटने थे जनाब जरदारी साहब की तरह। तो ये बड़े मंझे हुए सियासतदान पाकिस्तान में कहलाते हैं। अफसोस है हमारा अलविया ये है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो भी हक और सच की बात करता है उसको कहते हैं इसको सियासत करने का पता ही नहीं है, और जो बेवकूफ आदमी होता है जो मुल्क को लूटने की बात करता है, जो सब सब करप्ट लोगों को इकट्ठे लेकर चलता है, जब जैसा कि आप मौलाना फजल रहमान को देखें, अभी हमारा आम आदमी जो कहता है जी बंजा हुआ सियासतदान है पाकिस्तान का, मुझे जरदारी साहब अब्दुल भाई जरदारी साहब को देख ले, वो भी मंजे हुए सियासतदान कहते हैं उनको। हाँ वो तो मर्द हुर हुए ना जनाब, वो मर्द हुर हुए। देखे 40 साल से पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है सिंध में, थर का आप हाल देख लें, लाड़काना का हाल देखें, कराची जो है वो रोशनियों का शहर था, पिछले 12 साल से वहां पे हुकूमत कर रहे हैं, ये तजर्बाकार है जनाब खलीलुल्लाह साहब कहते हैं ये तजर्बाकार है। ये देखें 12 साल में उन्होंने कराची का क्या हाल कर दिया, उन्होंने कचरे का ढेर बना दिया कराची को, लेकिन बात यह है कि वो सियासतदानों से मिल बैठ के मुफाहमत की सियासत करना जानते हैं, मुल्क में कर्जा और लेना जानते हैं, सियासतदानों को रिश्वत दे के, आप मीडिया को रिश्वत दे के, जो अपने साथ बैठाने में अपने हक में बात करने में वो माहिर है। तो ऐसे लोग जो तजर्बाकार होते हैं। अब्दुल भाई आप मेरे अल्फाज, अब्दुल भाई मेरे अल्फाज लिख लेंगे कि ये जो आपने बातें करी है ना, ये अगर इमरान खान साहब सिर्फ 2 महीने के लिए ये कर लेना, लोगों को पैसा देना शुरू कर दें सबको और ये कर्जे देना शुरू कर दें और अब सबको, आपकी टीवी के ऊपर ऐसी ऐसी खबरें चल रही होंगी तो आप बोलेंगे दूध की लहरें बढ़ गई पाकिस्तान। सही बात है। रियलिटी यही है कि बेसिकली इसीलिए तो नायब उसको कहा जाता है और कहा जाता है अनएक्सपीरियंस है। मेरे भाई 22 साल उसने स्ट्रगल किया है, पार्टी सियासी बनाई है, तो उस 22 साल वो तरबियत ही हासिल करता रहा है, फिर वजीर आजम बना है। ये नहीं हुआ कि अगले दिन उसने पार्टी बनाई और दूसरे दिन वो हुकूमत में आ गया है कि उसके पास कोई तजर्बा भी, दुनिया में कौन सा वजीर आजम है जो 30-40 साल का तजर्बा लेता है कहीं से तो फिर जाके उसको वजीर आजम बनाया जाता है। इसी तरह लोग पार्टी बनाते हैं, आगे आते हैं। और क्या हुआ वापस, और आज जैसे बरसात वगैरह का जो मौसम है का शिकार है आज भी, तो बुनियादी मसाइल जो है अभी तक हल होके नहीं दे रहे कराची के, पाकिस्तान के, तो किस तरह से देखते हैं अभी जो हालात है कराची के, आपके पास भी रिपोर्ट्स तमाम आ रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं तमाम हालात? जी फराज इमरान भाई, पता नहीं आपने अच्छा मैं अब्दुल भाई की एक बात को जरा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था कि अब्दुल भाई कह रहे थे ना कि हालात वगैरह, आप अंदाजा करें कि जब सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे, उस दौर के अंदर पीसी बूर बम के अंदर जो बम धमाके हो रहे थे और जगहों पे बम धमाके हो रहे थे, उसमें लोग रोजाना के उसमें 100 से 200 लोग मर रहे थे। यानी कि आप अंदाजा ही करें, हम लोग अभी कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई और चल रहे,
उस टाइम पे तो लोग जान के लिए ये कर रहे थे कि हमारी जान बच जाए, आप भी पाकिस्तान से हैं, हम भी वहां से, कि वहां पे लोग कहते थे कि रात में जब काम पे जाओ और सुबह अगर घर आ जाओ तो दो रकात नमाज शुक्राने का अदा करो कि आपकी जान बच गई है, चीजें बच गई है। यहाँ पे तो अभी वो बातें कोई कर ही नहीं रहा, पुरानी गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें करी है अब्दुल भाई ने कि वाकई के आप आज ये सब चीजें सही कर दे, वो एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सब उड़ जाएंगे, सब बातें उड़ेंगे। आप अभी ये मुझे बताइए कि 70 सालों से अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अगर देखा जाए तो बारिशें भी हैं, बारिशें, कराची पूरा डूबा हुआ था, पूरा डूबा हुआ है, कल लाहौर के अंदर वो सड़कें जिसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं, जो एक्सपीरियंस बकौल जो है ना वो खलील साहब भी बोल रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के लाहौर के अंदर वजीर आला के अंदर उन्होंने वो रोडें बनाई हुई कि उनकी रोडों की तहस नहस हो गई है जरा से बारिश की वजह से, उन्होंने साइड, चलो पाकिस्तान के और शहर सब छोड़ दो, लाड़काना पाक कराची सबको तबाह बर्बाद कर दे, सबको अलग कर दे, लाहौर के अंदर क्या नकासी का सिस्टम लोगों ने नहीं बनाया, पेरिस, लाहौर को कहते थे कि पेरिस बनेगा, ओ भाई पेरिस तो छोड़ो यार, पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने। मुस्तफा कमाल साहब की एक बार मानूंगा कि ये पार्टी से है, मुस्तफा कमाल साहब ने कराची को उस लेवल के ऊपर लेके चले गए थे कि उनको भी के उनको बाकायदा सियासत की नजर कर दिया गया और उनको नीचे लेके आया गया। एक अगर हमारे बलदियाती निजाम के अंदर देखा जाएगा तो मुस्तफा कमाल को मेरे ख्याल से जो है ना वो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना सब याद करेगी कि वो मुस्तफा कमाल एक ऐसा आदमी आया था जिसने वहां पे तरक्की करवाई थी और चीजें कराई थी उसने। खलीला साहब आप क्या इस हवाले से, क्योंकि शहर के हवाले से बात हो रही है और आपने उसी शहर के आप रह रहे मेंबर सूबाई असेंबली भी रहे और आज भी हालात वैसे ही हैं जिस दौर में आपने आप सूबाई असेंबली के मेंबर थे, आज भी वही हालात है, किस तरह से देखते हैं, क्या दिखता है आपको वहां पे अभी, क्योंकि हालात तो अभी भी सही नहीं है, मुश्किलात तो आज भी वैसी की वैसी है, आज भी पानी खड़ा हुआ है रोडों पर। जी बहुत शुक्रिया अपना इमरान नकवी भाई, बल्कि बड़ी खुशी की बात है कि आज फराज भाई को और चौधरी अब्दुल अजीज साहब को अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया और तजर्बे और ना तजर्बे की बुनियाद पे माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया इन लोगों ने। तो सियासत जो होती है वो जरा बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, सियासत जो होती है वो ना कोई एंकर कर सकता है ना कोई बिजनेसमैन कर सकता है, या तो बहुत ही अच्छे तरीके से सियासतदानी दोनों मिलकर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं फराज भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी पार्टी के जो कायद हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उनकी ईमानदाराना जो उन्होंने उनकी जो सलाहियतें थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने 300 अरब रुपए का जो बजट उनको मिला था और उसके जिसपे उन्होंने कराची की तरक्याती काम किए और जिस तरीके से एनर्जेटिक तरीके से उस शख्स ने काम किया उसको तमाम पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया सराहती है। और ये तमाम चीजें देखें वही है कि जब आपको मेरिट होगी, आपको तजर्बा होगा, आपके पीछे तजर्बा का टीम होगी, तो वो टीम वर्क होता है, ये पूरा किसी एक फर्द का नहीं होता, पूरा टीम वर्क होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान को चलाने में भी पूरी टीम की जरूरत होती है, कोई एक फर्द पूरे पाकिस्तान को नहीं चलाता, पूरा टीम वर्क होना चाहिए और वो टीम वो होनी चाहिए जो मेरिट की बुनियाद पे हो, ठीक है ना, जिसको जिसकी जो मेरिट है वो मेरिट पे हो। डॉक्टर जो हो उसको हॉस्पिटल का ही काम होना चाहिए, उसको अगर आप मईशत का काम दे देंगे तो वो मईशत वाला जो डॉक्टर होता है वो तो बेचारा पीएचडी डॉक्टर होता है ना, अब पीएचडी डॉक्टर से अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो फिर क्या होगा, पुरानी है। दूसरी चीज ये है कि आप अभी आपको मैं बताऊं, देखिए डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हमारे वजीर आजम साहब जो अपने आप के अंदर ईमानदारी का ढंडोरा पीटते हैं, अभी 4 दिन पहले इन्होंने एक ऐलान किया कि साहब ये इंडस्ट्री जो है 50 लाख घरों की लिए एक इंडस्ट्री बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए उन्होंने ये ऐलान किया कि इसमें आप सरमाया लगाए, चाहे आप किसी भी तरीके से सरमाया लगाए हम आपसे नहीं पूछेंगे ये कहाँ से आया। तो भाई मुझे बताइए ये चोरों को जब आप रास्ता दे रहे हैं, डाकुओं को आप रास्ता दे रहे हैं, डाकुओं के लिए आप दरवाजा खोल रहे हैं, तो फिर जब डाकू इसमें आ जाएंगे तो आप रोना किस बात करोगे। खलील साहब ये लंदन के अंदर ये जो इंडस्ट्री का आप रास्ता खोल रहे हैं कि साहब आप इसमें पैसा लगाए, जितना पैसा लगाए आपको कोई नहीं पूछा जाएगा, तो आपका नेप का इदारा कहाँ गया, आपकी और देखिए रिट इसी तरीके से खराब होती है ना। आपको ये पूरी चीजें वर्क करनी चाहिए थी, वर्क करके इसको आगे लेकर आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं
कि जब जब लोगों को मौका मिला, जिन जिनको मौका मिला, जिन्होंने अच्छे काम किए, उनके अच्छे काम को गिनवाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम सियासी तौर पे या अपने ये तौर पे कि साहब ये हमारा सियासी मुखालिफ है तो हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए मुल्क में अच्छे अच्छे लोग भी हैं, हर सियासी पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। अगर एक टीम आपके काम अच्छा नहीं कर सकी तो आप अल्लाह ने कमा।